बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो जी दोस्तों, मैं आज की वीडियो का आगाज़ करता हूँ अल्लाह ताला के फजल करम और शुक्र के साथ। तो दोस्तों, आज मैं अपने जो हमारे देहात और गांव की बोली है पंजाबी, उस लहजे में मैं बात करूँगा। तो दोस्तों, आज मैं थोड़े वास्ते माशाल्लाह बहुत ही प्यारा दरवाज़ा, जिन्हों असं पंजाबी बूह आखते हैं, जाली वाला लैके हाज़िर होए हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारा तो खूबसूरत अच्छा डिज़ाइन है। ऐसा पुराने जमाने की दस्तियाँ वेखो जी, तो डिज़ाइन बने हुए हैं, उत्ते रोशनदान है, उत्ते वो गोला वगैरह लगा हुआ है। बनाने वाले ने कितना खूबसूरत दरवाज़ा बनाया जी। ए उदी अंदर वाली साइड है, देखो जी, ये उदी अंदर वाली साइड है। एक साइड फिक्स है तो एक साइड खुलेगी, तो दूसरी भी खुल जाएगी, लेकिन वो लॉक वगैरह लगो है जी। ए बैठक है, बैठक के अंदर कॉर्नर के अंदर कोई गुलदस्ते फूल वगैरह रखने वास्ते जी उन्होंने बनवाई है, बहुत ही खूबसूरत प्यारी। ए कॉर्नर ए सेंटर दीवार से बनाई है, कोई किताबा बुक वगैरह के अंदर ही कोई फुल वगैरह तुस रख सकते हो जी। माशाल्लाह जिन्होंने काम किया है उन्होंने माशाल्लाह बहुत ही प्यारा और अच्छा काम किया है, पायदार मजबूत काम किया है, और जिन्होंने करवाया उन्होंने माशाल्लाह बड़ा ही ज़्यादा खूबसूरत अच्छा काम करवाया, पायदार और मजबूत काम करवाया। देखो जी माशाल्लाह क्या बात है। ए जी किचन है, किचन के जेड़े सिंगार वगैरह साढ़े जड़िया भैन मेकअप वगैरह कर दी हैं जी, ओद सिंगार वगैरह थले दराज ने जी, सिंगार थले दराज ने जी, तीन दराज ने, दराज ना छोटा जहा डब्बा बनाया गया बॉक्स जिंदर समान वगैरह रखना। ए हैंगर हैं जी, एक साइड से हैंगर लगे, दूसरे साइड कपड़े तुस जेड़े इस्त्री करके ठप के बच्चे रखते हो खाने के अंदर, वह है ने जी। एक हैंगर से वह थले खुला खाना है जी, ए दो दे पले ने जी। ए फिर एक छोटा खाना रखा गया शेल्फा वाला, शीटा जो समान वगैरह तुम ठप के कपड़े वगैरह और चीज़ रख सकते हो। उस थले फिर तीन दराज ने जी, काले कलर की शीट लगाई गई है, तो उत्ते जी डब्बे बड़े ने कैबिनेट जिन्हों कहते हैं। असी अजकल पेटियों का रवाज खत्म हो गया ना जी, तो ये अंदर असी बिस्तरे वगैरह तो कंबल वगैरह ठप के रख सकते हैं। पहले पेटियां आनी हुई सन, हूँ जिस तरह जमाना तब्दील हो रहा है, तरक्की हो रही, तो नई चीज़ आ रही ने। किचन है जी, किचन के कैबिनेट डब्बे ने जी। ए देखो जी, लकड़ का हुड तैयार उन्हें कराया जी। ए देखो जी, उत्ते धुआं थोड़ा बाहर निकलेगा, थले चूल्हा लगेगा इलैक्ट्रिक जोड़ा अजकल नवा निकला चैनल का। ए डब्बे बने हुए जी छोटे छोटे। ए देखो जी, किचन के डब्बे का कलर और है बदामी टाइप कलर है जी, ये रंग बदामी टाइप है। ए देखो जी, और थले जड़े पले बने हुए हैं, देखो जी थले खाने बने हुए हैं। ए देखो जी, बड़ा ही प्यारा तो खूबसूरत इतने चूल्हा लगेगा जी इलैक्ट्रिक उत्ते। फिर उन्हें त्रै दराज बनाए जी, लाक लगो है, एक दराज है जी, एक दराज फिर थले, उस तो फिर थले एक दराज, तीन दराज ने जी, ठीक हो गया। ए दराज है जी, अजकल नुकरों के उत्ते स्टील की एक निकला पत्री वो लगती है जी, ये अंदर जरी मार के अगे जाकर थोड़ा दिखाने किस तरह लगती है, ये नुकरों पर लगती ताकि जो नुकरा बुरन नहीं, सफाई रहन, नुकरा खराब न हो, मजबूत रहन। ए दस्तियाँ कितने खूबसूरत अच्छे डिजाइन दी लगी हुई हैं जी, यह देखो किस तरह नुकरंत लगे, ये पायदारी रहती दरवाजे की, तो मजबूती तो और खूबसूरती भी रहती। ये प्लास्टिक स्टील का भी निकलिया, प्लास्टिक का जी है स्टील का, तो वेखो ये अंदर ही एक नोक है, ये जरी बनाई जाती जिद अंदर फिर फस जाता, टाइट हो जाता सिलीकोन न लगता है जरी है जी। ए देखो नज़र आ रहा जरी के अंदर फस है टाइट करके ना, इस तरह फिट होता जी, इस तरह करके ना फिर जी नोकों वगैरह बेहतरीन हो जाता काम। असल जरी नहीं लगे तो दिखा देते दे किस तरह फिट होता।
है जिस तरह होया जी, बिल्कुल बेहतरीन व्यू उस साइड भी इस तरह हो जाएगी जी। किचन है जी, उत्ते गोला वगैरह लगे है जी, बड़ा सोहना डिजाइन का गोला लगे है जी। तो माशाल्लाह जिन्हें भी काम किया बड़ा ही सफाई नाल खूबसूरत और अच्छा काम किया, पायदार और मजबूत है। हुड देखो जी तुसी, माशाल्लाह क्या बात है जी। मैं कि अज असी अपनी जबानी बोली जी पंजाबी साड़ी बोली है वो अंदर इंशाल्लाह हम ब्लॉग बनावेंगे, वीडियो बनावेंगे पंजाबी बोली के अंदर, ताकि साढ़े दोस्त साड़ी बोली देख के इंजॉय करन। ते साढ़े जेड़े दोस्त हैं वो कोई सही वीडियो इंजॉय नहीं करते, वीडियो नहीं वेखते, जो साढ़े व्यूज़ नहीं आ रहे, बहुत कम आ रहे हैं। तो दोस्तों तुहाड़ी मेहरबानी होगी, साढ़े वीडियो पूरा वेख्या करो ताकि साढ़े व्यूज़ ज़्यादा आन, तो सानू ज़्यादा वाच टाइम मिले, साढ़ा चैनल मोनेटाइज होवे, सब्सक्राइबर मिलन। माशाल्लाह दोस्तों मैं तुहाड़े वास्ते बड़ी अच्छी अच्छी वीडियो लभ के लै आना। तो यह जी किचन का दरवाज़ा है जी, जाली वाला जिन्हें बूआ कहने, देखो जी कितना सोहना डिजाइन बड़े है जी। पिछे जाली लगी तो अगे त्रै राड लगे, डिजाइन बड़े है। एक जी एक वत बार हाल के अंदर कारन बड़े गोल कारनर है जी, एक दो त्रै चार ये शेल्फा बड़ी है, नाल एक फिर कमरे का दरवाजा है जी। ए देखो जी फिर एक कारनर बड़े है दूसरे कमरे के नाल हाल है, बाथरूम है जी, ए फिर नाल दोबारा बड़ी है जी, किताबा वगैरह गुलदस्ते फुल ये चीज़ रखने वास्ते जी, बड़ा ही सोहना बड़े ये नुक्कर से जी। वो काला गोला लगे जी, दूसरे कमरे की अलमारी है बाहते ना, एक हैंगर है तो नाल शेल्फा वाले खाने ने जी, थले दे त्रै दराज ने जी, ठीक हो गया। ए दूसरा दराज है जी, कितने रवा चल रहे ने, कितनी सफाई बनाए गए, उत्ते फिर ये बिस्तर वगैरह कपड़ा कपड़े वगैरह रखने वास्ते ठपके। मतलब कितना सफाई दे नाल ते कितना खूबसूरत अच्छा काम किया गया। एक और अलमारी तैयार की गई दूसरे कमरे, वही सेम वही डिजाइन वही सब कुछ, कोई चेंज नहीं किया गया, सब कुछ वही है, कलर भी वही है। ते दोस्तों मैं तुहाड़े वास्ते बड़ी अच्छे अच्छे व्लॉग वीडियो बनाना, ते उन दोस्तों का मैं शुक्रिया अदा करना, जेड़े दोस्त मेरी वीडियो वेखते हैं फुल वाच करते, उन्होंने मेहरबानी, जेड़े नहीं वेखते उन्होंने मेहरबानी, ताकि फिर मेरी वीडियो फुल वेखन, ताकि मेरी वीडियो तो व्यू आन, मेरी वीडियो रैंक होवे। ते जिन्हें दोस्तों ने मेरे चैनल सबसक्राइब नहीं किया उन्होंने मेहरबानी, और नाल जी रत्ती बैल है उन दबा दो, ताकि मेरी वीडियो तक दोबारा दोबारा पहुँच गए तो वेख के मेरी वीडियो इंजॉय करे, मज़ लवो। तो यह देखो जी हूँ किचन का पूरा व्यू देखो, किचन किस तरह बड़ी हुई है, इनका काम हो रहा जारी है जी, फिनिशिंग का काम। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो तुम पसंद आई हो तो मेरी वीडियो अपने दोस्तों शेयर किया करो, ताकि वही वेखन वही इंजॉय कर कि काम लकड़ी का किस तरह कराई दा। मैं थोड़े वास्ते बड़ी अच्छी अच्छी वीडियो बनाना, तो अज अपने भरा इजाजत, तो बस अगली वीडियो मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।